सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे कांग्रेस पार्टी दे वल्लों चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री बनाउणा अपना मास्टर स्ट्रोक दस्सिया जा रहा है, उधर दूजे पासे चरणजीत सिंह चन्नी दी नियुक्ति कईआं नूं हजम हुंदी दिखाई नहीं दिंदी है। पर किसे नूं इह गल पचे जां फिर ना पचे, पसंद आवे जां फिर ना आवे, पर चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दा मुख्यमंत्री बन के पंजाब दी सियासत दे चार भुलेखे कढ के रख दिते ने। उन्होंने पंजाब की सियासत दीआं चार धारनावां नूं तोड़ के रख दिता है, मानतावां नूं तोड़ के रख दिता है। जिहड़ियां चार मानतावां ने जिन्हां नूं तोड़िया गया चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों, चार भुलेखे कढे गए ने, इन्हां बारे असीं तुहानूं जानकारी देणा जा रहे हैं। सब तो पहला भुलेखा चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब की सियासत दे विच कैप्टन अते बादल परिवार नूं लैके कढ़िया है। पंजाब की सियासत दे विच इह धारणा बनी हुई है कि इस वेले मौजूदा समय दे विच कैप्टन परिवार अते बादल परिवार तो इलावा कोई भी सत्ता ते काबिज नहीं हो सकता है। पिछलियां चोणां दे विच आम आदमी पार्टी ने कोशिश की सी कि कैप्टन अते बादल परिवार तो सत्ता खो ली जाए, पर आम आदमी पार्टी भी उस दे विच नाकामयाब रही अते बादल परिवार तो सत्ता ट्रांसफर हो गई कैप्टन परिवार वल नूं। दहाकियां तो यही चल रहा है, जां तां कैप्टन दा परिवार सत्ता दे विच हुंदा है जां फिर बादल परिवार सत्ता दे विच हुंदा है। पंजाब दे लोकां नूं इंज लगन लग पिया कि इन्हां दोनां परिवारां तों इलावा कोई भी सत्ता ते काबिज नहीं हो सकता है। पर हुण जदों कैप्टन अते बादल परिवार तों इलावा चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दे मुख्यमंत्री बन गए ने, इहदा मतलब है कि उन्हां ने पंजाब दे लोकां दा इह भुलेखा कट के रख दिता है कि ना तो वह कैप्टन परिवार नाल संबंधित ने अते ना ही बादल परिवार नाल संबंधित ने। चोणां तो बाद की होएगा वह बाद की गल है, पर हाल की घड़ी इस वेले पंजाब दे विच ना तो कैप्टन परिवार का राज है अते ना ही बादल परिवार का राज है। इन्हां दोनों परिवारों तो इलावा हुण चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दे मुख्यमंत्री बन चुके ने। यह पहला भुलेखा चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दे लोकां दा कढ के रख दिता है। दूजा भुलेखा चरणजीत सिंह चन्नी ने दलित भाईचारे नूं लैके कढ़िया है। भावें कि पूरे मुल्क दे विचों पंजाब दे विच दलित भाईचारे की आबादी सब तो ज़्यादा है, तीजा हिस्सा आबादी है पंजाब दे विच दलित भाईचारे की, 117 दे विचों अद्धियां सीटां ते दलित भाईचारा तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। इस दे बावजूद पंजाब दे विच इह धारणा बनी हुई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दलित भाईचारे का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँच सकता। इस धारणा भी तोड़ के रख दिता है चरणजीत सिंह चन्नी ने, क्योंकि वह पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके ने। पंजाब दीयां सियासी पार्टियां भी इस गल नूं रिस्क लैके चलदियां ने कि जेकर दलित भाईचारे दे किसी विधायक नूं अगे कीता गया तो दूजे भाईचारियां दी वोट खिसक सकती है। इस करके ही बीजेपी जदों रेस दे विच ही नहीं है, वह सरकार नहीं बना सकते, उन्होंने भी पता है जो मौजूदा हालात ने। इस करके उन्होंने ऐलान कर दिता कि असी दलित भाईचारे का मुख्यमंत्री बनावांगे जेकर साडी सरकार बनती है, पर उन्होंने भी पता है कि असी सरकार बनाउण दी दौड़ दे विच नहीं। मुख्य मुकाबले दे विच श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस नूं मन्निया जांदा है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि उप मुख्यमंत्री दलित भाईचारे तो बनावा। इन्हां चोणां दे विच सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान कर दिता कि उप मुख्यमंत्री दो बनावांगे, उन्हां दे विचों एक उप मुख्यमंत्री दलित भाईचारे तों बनाया जाएगा। भाव सियासी पार्टियां सिर्फ दलित भाईचारे दे विधायकां नूं उप मुख्यमंत्री तक ही ले जाण दा वादा कर सकियां, पर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भुलेखा भी कर दिता कि दलित भाईचारे का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है अते उन्होंने मुख्यमंत्री बन के भी दिखा दिता है। इस तरह उन्होंने ये दो भुलेखे कर दिते ने, पहला कैप्टन अते बादल परिवार तो इलावा कोई सत्ता ते काबिज नहीं हो सकता, दूजा कोई दलित भाईचारे का विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दोनों भुलेखे उन्होंने कढ के रख दिते ने। तीजा भुलेखा उन्होंने कढ़िया है आम बंदा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। पंजाब दे विच ये भी धारणा है, जदों आम लोगों के कोलों पुछया जाता है कि सियासत दे विच तुसीं जाना चाहते हो, कहिंदे ने साडा काम नहीं, ये तो तनाडा दा वड्डे वड्डे जिहड़े बिजनेसमैन ने जां फिर जिन्हां दे कोल बहुत ज़्यादा असर रसूख है पैसा है उही सियासत दे विच जा सकते ने। मुख्यमंत्री की कुर्सी ते तां गल ही छड्डो, कहिंदे ने कि पिंड दा सरपंच भी होवे तां उह भी असर रसूख वाला बंदा ही हुंदा है। पर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी भुलेखा कढ के रख दिता है, एक काउंसलर तो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी।
एमसी तो शुरुआत की थी, एमसी म्यूनसिपल कारपोरेशन दा काउंसलर बने सन ओ अते हुण सीएम बन गए ने। एमसी तो सीएम तक दा सफर चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों तय कीता गया है। इस करके उन्होंने पंजाब दे लोकां विच बनी इह धारणा भी तोड़ के रख दिती कि कोई आम बंदा मुख्यमंत्री नहीं बन सकदा है। हालांकि इहदे विच काफी ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का भी मनिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक महाराजे तो सीधा ही एक आम बंदे नूं चुक के मुख्यमंत्री बना दिता, उसनूं मुख्यमंत्री दी कुर्सी ते बिठा दिता। पार्टी का भी इस दे विच काफी अहम रोल है, पर चरणजीत सिंह चन्नी का किरदार भी इत्थे कम आया, क्योंकि बहुत सारे अजिहे विधायक सन कांग्रेस पार्टी दे कोल 80 दे करीब विधायक ने, पर 80 दे विचों जेकर उन्होंने एक नूं चुनना सी तां जेकर चरणजीत सिंह चन्नी नूं चुनिया गया है तां उहदे विच किते ना किते उन्हां दी निजी काबिलियत भी अहम रोल अदा करदी दिखाई दित्ती है। इस तरह उन्होंने तीजा अहम भुलेखा यह कढ़िया है कि आम बंदा कदे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। वो आम बंदे ने क्योंकि प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी उन्होंने पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री बनने तो बाद उसदे विच वो भावुक होंदे भी दिखाई दिते कि जिस घर दे विच मैं पैदा होया सी उस घर की छत भी ठीक नहीं सी, मेरी माँ चिक्कड़ दे नाल गारे दे नाल उस छत नूं लिपदी हुंदी सी, इन्ना बुरा हाल सी। जेकर कोई बंदा इत्थों उठ के मुख्यमंत्री दी कुर्सी तक पहुंचा है इहदा मतलब है कि उसने इह वी भुलेखा कढ के रख दिता है कि आम बंदा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने इह भुलेखा भी दूर कर दिता है, इस धारणा नूं भी तोड़ के रख दिता है। चौथा भुलेखा उन्होंने पोलिटिकल लीडरां दा कढ़िया है। कुछ लीडर पंजाब दे विच अजिहे ने, सीधे तौर पर नाम ही लै दिंदे आ, पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सोचते सन कि जेकर मुख्यमंत्रीशिप हंडाउणी है, मुख्यमंत्री बन के काम करना है, ना तो दफ्तर विच जाण दी लोड़ है अते ना ही सरकारी रहायत विच जाण दी लोड़ है, लोकां विच जाण दी लोड़ दी तां गल ही छड्ड दिओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लगदा सी कि मैं अपने फार्म हाउस दे विच बैठ के सरकार चला लवांगा अते फिर अगलियां चोणां दे विच आवांगा, लोकां दे कोलों वोटां मंगांगा, लोक मैनूं वोटां पा देंगे, मैं एक बार फिर तो मुख्यमंत्री बन जावांगा। पर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी धारणा तोड़ के रख दिती है कि घरों सरकारां नहीं चल दिया हुंदिया, क्योंकि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी इस मंशा दे विच कामयाब हो जाते तो अगों तो भी पोलिटिकल लीडर ने इदा ही करिया करना सी कि घरों निकलन की लोड़ ही की है। हुण इसे करके ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जिहड़े कि उप मुख्यमंत्री बने ने उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हुण सरकारी काम सरकारां दे काम घरों नहीं होणगे, सरकारी दफ्तरां दे विच होया करनगे। उन्होंने तंज कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कसिया है। इस तरह यह चार भुलेखे चरणजीत सिंह चन्नी ने कढ के रख दिते ने, जिहड़े कि मन्निया जा रहा सी पंजाब दे लोकां दे मनां दे विच घर घर चुकियां सन गल्लां, उन्हां सारियां धारणावां नूं चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों तोड़ के रख दिता गया है। हुण एक भुलेखा चरणजीत सिंह चन्नी होर कढ सकदे ने, इह तां चार भुलेखे हो गए जिहड़े उन्हां ने कढ दिते ने, धारणावां तोड़ दित्तियां ने, पर एक भुलेखा होर भी कढ सकदे ने, उन्हां दी कारगुजारी ते निर्भर करदा है। जेकर वो इन्हां 3-3.5 महीनों के बहुत वधिया काम करके दिखा देंदे ने, जिहड़े वादे कीते सन उन्हां नूं पूरिया कर देंदे ने, तां इह धारणा भी टुट जाएगी कि समा ज़्यादा चाहीदा हुंदा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल 4.5 साल सन, चरणजीत चन्नी दे कोल 3-4 महीने ही ने। जेकर वो वधिया काम कर गए तां इह भी भुलेखा निकल जाएगा कि सरकारां नूं समा काम करन दे लई ज़्यादा चाहीदा हुंदा है। हालांकि यह चरणजीत सिंह चन्नी की कारगुजारी ते डिपेंड करदा है कि वह वादे पूरे कर पाउंदे ने जां फिर नहीं, पर फिलहाल हाल दी घड़ी तक हुण तक उन्होंने पंजाब दे लोकां दे अते पोलिटिकल लीडरां दे चार भुलेखे कढ के रख दिते ने। एक सवाल हुण असीं तुहाडे कोलों पुछ लैणा चाहुंदे आ, जिहड़े तुसीं इस वेले इस खबर नूं देख रहे हो, तुहानूं की लगदा है कि की चरणजीत सिंह चन्नी इन्हां 3-4 महीनों के एक वधिया मुख्यमंत्री साबित हो सकते ने, वो अपने वादे पूरे कर सकणगे, तुहानूं की लगदा है? जो भी तुहानूं लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखदे रहना चाहुंदे हो तां यूट्यूब ते पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना, ते जेकर यह खबर तुसीं फेसबुक ते देख रहे हो तां फेसबुक ते पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।